नमस्कार, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.3 का दूसरा प्रश्न हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न को आपने ध्यान से समझना है। प्रश्न है, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा एंगल AOC बराबर 40 डिग्री है। सॉरी बच्चों, प्रश्न ध्यान से समझना। एक केंद्र है O, इस पर एक वृत्त बना है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। इसी केंद्र O पर एक और वृत्त बना है जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। तो यानी ये दो सर्कल हो गए, दो वृत्त हो गए। पहले की त्रिज्या रेडियस है 7 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की जो त्रिज्या रेडियस है 14 सेंटीमीटर। इससे हम क्या समझे, O से लेकर B तक OB ये है 7 सेंटीमीटर, O से लेकर D तक ये भी है 7 सेंटीमीटर, O से लेकर A तक ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है तो ये होगी 14 सेंटीमीटर, O से C तक ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। उसके बाद कोण AOC, ये जो कोण है ये क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि थोड़ी सी जगह में मैंने लिखा था। कोण AOC जो है, कोण AOC ये वाला जो कोण यहाँ पर बन रहा है ये कोण है 40 डिग्री। तो हमें छायांकित भाग, आई होप आपको ये छायांकित हरे वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, इसका हमने क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, यदि आप देखेंगे तो ये क्या है, ये केंद्र O से B और D, ये बिंदु B, ये बिंदु D और ये इस प्रकार से बना है। तो ये क्या हो गया, एक त्रिज्याखंड हो गया ना, त्रिज्याखंड सर्कल का। ठीक है बच्चों। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर थीटा बटा 360 डिग्री। ये त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये हमें पता है। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये बड़े वाला त्रिज्याखंड है AOC, ये बड़ा त्रिज्याखंड है OAC कह सकते हैं इसको, और ये छोटा त्रिज्याखंड है OBD। तो बड़े वाले त्रिज्याखंड में से छोटे वाला माइनस कर देंगे तो बाकी ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा जो हमें चाहिए। दोबारा समझिए, ये बड़ा त्रिज्याखंड है OAC ये वाला, इसमें से ये छोटा OBD माइनस कर देंगे, बड़े वाले में से ये छोटे वाला माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास ये क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, त्रिज्याखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड OBD, देखिए त्रिज्याखंड OBD का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं त्रिज्याखंड OAC का क्षेत्रफल। फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए पाई, हमें क्वेश्चन में पाई नहीं दिया हुआ इसलिए हम पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7 गुना आर स्क्वायर। अब OAC बड़े वाला त्रिज्याखंड, उसके लिए बड़े वाली त्रिज्या जो कि हमें दी हुई है, देखिए 7 और 14 में से बड़ी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर हो गया 14 गुना 14 गुना थीटा, थीटा ये बीच वाला कोण जो कि दिया हुआ है 40 डिग्री बटा 360 डिग्री बटा 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री नीचे आ गया, माइनस ये हो गया त्रिज्याखंड OAC का क्षेत्रफल बच्चों। इसी प्रकार से त्रिज्याखंड OBD का क्षेत्रफल बच्चों, देखना ध्यान से देखना, मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से समझते रहना बस इसको। त्रिज्याखंड OBD, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये कैसे आएगा, फार्मूला वही है पाई आर स्क्वेयर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वेयर थीटा बटा 360 डिग्री। तो बच्चों पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वेयर,
अभी इसके लिए बच्चों आर छोटे वाला त्रिज्या घन है, तो छोटे वाली त्रिज्या, छोटी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 गुना 7 गुना थीटा, थीटा तो वही है 40 डिग्री, बी डी बी ओ के लिए भी और ए ओ के लिए भी, तो 40 डिग्री बटा 360 डिग्री। अब बच्चों आप ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से पूरे ध्यान से आपने समझना है बच्चों। देखिए 22/7 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। उसके बाद 40/360 यहाँ भी है, 40/360 यहाँ भी है, इसको भी हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ से बच गया 14 गुना 14 जो कि होता है 14 गुना 14 196 माइनस, यहाँ से देखिए 22/7 बाहर कॉमन चला गया, 40/360 भी बाहर कॉमन चला गया, बाकी रह गया 7 गुना 7 जो कि होता है 49। तो अब हमें इसे हल करना है बच्चों, तो देखिए ये आ गया 22/7 गुना। अब यहाँ देखिए 40/360 जीरो से ज़ीरो कट गई, 4 एकम 4 4 9 36, तो ये हमारे पास बच गया ऊपर 1 नीचे 9 1/9 गुना 196 में से 49 माइनस कर दो, 196 में से 16 में से 9 गए 7 और यहाँ रह गया 18, 18 में से 4 गए 14। अब हमें इसे हल करना है बच्चों, तो देखेंगे 7 के पहाड़े से 7 एकम 7 14, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 तो ये आ गया 21, 3 के पहाड़ में कट जाएगा 3 3 9 3 7 21। तो बच्चों हमारे पास बच गया, देखिए यहाँ पर हमारे पास बच गया है 22/3 गुना 7, ठीक है बच्चों, 22/3 गुना 7। तो देखते हैं 22 को 7 से गुना कर दो तो आता है 154/3 और इसके साथ क्योंकि ये दोनों ही सेंटीमीटर में थी इसलिए क्षेत्रफल जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी पुस्तक के हिसाब से यही आपका उत्तर है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या है बच्चों, ये क्या है 154/3, ये जो छायांकित भाग है हरा हरा इसका क्षेत्रफल है। कैसे निकाला हमने, बड़े वाले वृत्त त्रिज्याखंड में से छोटे वाला त्रिज्याखंड हमने माइनस कर दिया तो ये शेडेड पोर्शन आ गया। फार्मूला यूज होता है, त्रिज्याखंड ऐसा होता है और इसका फार्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, वही फार्मूले का यूज़ करके हमने इस प्रश्न को हल किया है। तो बच्चों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्न प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां पर अन्य प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।